नमस्कार, मैं हूं आंचल। चौथे चरण के बाद पांचवे दौर के लिए प्रचार इन दिनों चरम पर चल रहा है। चिलचिलाती गर्मी और उस पर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां वैसे तो शुरू से ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थीं, लेकिन चौथे चरण के मतदान के बाद अब सभी ने आंकड़े प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने जहां एक ओर भाजपा की विजयी पर अब विराम लगाने का दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। आज विशेष में बात करेंगे गठबंधन के आरोप की और सत्ता दल के प्रचार की। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में 20 मई को मतदान होगा। इससे पूर्व जहां इन दिनों सियासी घमासान जोर शोर से चल रहा है, केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तरी से भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल इन दिनों मुंबई में प्रचार में जुटे हुए हैं। 1 मई को नामांकन के बाद केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तरी सीट से भाजपा के प्रत्याशी पीयूष गोयल मुंबई में इन दिनों जमकर प्रचार कर रहे हैं। अपने प्रचार के दौरान पीयूष गोयल ने मुंबई के लोगों को केंद्र सरकार के कामों को गिनवाकर अपने लिए वोट मांगे। मुंबई की सड़कों पर पीयूष गोयल जब प्रचार के लिए निकलते हैं तो उनका जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है और प्रचार के दौरान वह लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बरेली में दो होमगार्ड्स द्वारा एक मतदाता को पीटे जाने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रियंका ने एक वीडियो शेयर कर भाजपा को घेरने की कोशिश की है। चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश स्थित बरेली में दो होमगार्ड्स द्वारा एक मतदाता को पीटे जाने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रियंका ने एक वीडियो शेयर कर भाजपा को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सवाल किया कि जनता को राशन मिलता है, क्योंकि इस देश में हर नागरिक को भोजन का अधिकार मिला हुआ है। क्या भाजपा सरकार जनता का थोड़ा सा धन जनता पर खर्च करके उसे ही बंधक बनाना चाहती है? इन पुलिस कर्मियों को यह हिम्मत कहां से मिली कि वे भाजपा के लठैत की तरह बर्ताव करें और हमारे दलित भाई पर इस तरह क्रूरता बरतें? प्रियंका के हमले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत और चुनावी प्रचार में मानो भूचाल सा आ गया है। हालांकि भाजपा ने इस पर अभी तक कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में दोषी होमगार्ड्स के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया और उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पड़ोसी देश की आबादी 24 से 25 करोड़ है, लेकिन वहां तब भी भुखमरी फैली हुई है और कुछ लोग वहां का राग अलापते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि राग अलापने वाले वहीं चले जाएं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहां गरीबी से उभरे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या?
अरे पाकिस्तान की तो इतनी भी आबादी नहीं जितनी आबादी यूपी की है। हमारा देश तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान क्या निपट पाएगा। और उसने जब भी दुस्साहस किया है, भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूत ही किया है। और उसमें हमारे बुंदेलखंड का नौजवान तो जब सीमा पर जाता है मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए, तो उसकी मार से दुश्मन चारों खाने चित ही होता है। भारत हमेशा विजय श्री का वर्ण ही करता है। महोबा की सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये देश को बचाने की लड़ाई है, अब नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो रहा है। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये देश को बचाने की लड़ाई है, अब नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि 4 जून को भाजपा की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राजधानी लखनऊ में सपा और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि चौथे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था वो चढ़ चुका है और अब वो चोटी से लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंट डाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। 4 जून को फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन होगा। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई, उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते चले आ रहे हैं। जो गिरने वाला है वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया उनका। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी अपनी ही नकारात्मक नैरेटिव में उलझ गई है। 10 साल दिल्ली की और 7 साल यूपी की सरकार में उनकी हर बात झूठी निकली और उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटियां की तरह काम करने में लग गई हैं। आने वाले समय में देश के 140 करोड़ की जनता बीजेपी को 140 सीट के लिए भी तरसा देगी। बीजेपी का रथ फंस नहीं गया, धस गया है, इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है। अब नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रथ फंसा नहीं है, धस गया इस बार, क्योंकि जिन सवालों को लेकर के जनता मतदान कर रही है, बेरोजगारी क्यों है इसका जवाब बीजेपी पे नहीं है, नौजवानों के पेपर क्यों लीक हुए इसका कोई भी चाहे नेतृत्व तो दिल्ली का हो उत्तर प्रदेश का कोई जवाब नहीं दे रहा है। निवेश के नाम पर आपने झूठे सपने दिखाए, डिफेंस एक्सपो के नाम पर झूठे सपने दिखाए, G20 में आपने झूठा प्रचार किया, इन तमाम चीज़ों का जवाब। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो गया? आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासीटामोल बुखार की गोली कितने एमजी की थी? 500 एमजी की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ 650 एमजी की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा, बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? 500 एमजी में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के लोग भाजपा को खंड खंड कर देंगे, वहां पर भाजपा का खाता खुलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीट जीत रहा है और बस क्योटो वाराणसी में लड़ाई है, जो नौजवान देख रहा है कि उसकी हर परीक्षा लीक हुई। ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, जिससे उनका भविष्य खराब हो गया। किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इन्हें सुन सुन कर थक गए हैं, इसीलिए परिवर्तन होना तय है। सपा नेता ने कहा कि आज लोकतंत्र को खतरा है, ये लोकतंत्र के पीछे तो पड़े ही हैं, हमारी और आपकी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। जो वैक्सीन हमारे शरीर में चली गई, बताइए उससे ये कैसे वापस लेंगे? हर संस्था को इन्होंने खत्म कर दिया है, इसलिए देश की जनता लोकतंत्र को भी बचाएगी और बीजेपी को भी हराएगी। बहुजन समाज के लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन की मदद करें, जिससे देश को मजबूत किया जा सके। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज विशेष में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।